गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर चल रहा था और अभाज्य गुणनखंड विधि चल रही थी, उस पर आधारित प्रश्न हम लोग कर रहे थे। प्रश्न एक बोर्ड में आपके सामने लिखा हुआ है कि 6, 9 तथा 15 से विभाजित पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो पहले हम क्या करें इसको करने के लिए कि पहले ऐसा देखें कि अगर पूर्ण वर्ग मान लीजिए ना लिखा होता, केवल कहता कि 6, 9 और 15 से विभाजित संख्या क्या है। तो 6, 9 और 15 से विभाजित संख्या इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब 6 का पाड़ा पड़े, 9 का पड़े और 15 का पड़े, जो तीनों में एक संख्या ऐसी हो तो वो इसका एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो पहले हम जरा 6, 9 और 15 से विभाजित संख्या निकालते हैं क्या है, देखे जाए जरा। तो 6, 9 और 15 इसका लासापा निकालेंगे बेटा, अब देखिए बेटा कि 6, 9 और 15 से विभाजित संख्या 5, 3, 15 और 3, 2, 6, 90 आ गई। तो यहाँ पर जो एलसीएम आया है बेटा लासापा 6, 9 और 15 का, वो आया है 90, अर्थात इन सबका गुणनफल, और वो 90 6 के पाड़े में भी आती है, अर्थात 6 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है और 15 से भी विभाजित है। तो अब हमें मगर 90 को ये चेक करना है कि 90 पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 90 तो बेटा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 90 इन्हीं सब का तो गुणा करने पे आया है, अर्थात 90 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो तो यही है ना, 2 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर केवल 3 का ही एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 2 और 5 के जोड़े तो बन ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अब हम क्या करें कि अगर हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 6, 9 और 15 से विभाजित भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो, तो 90 तो ऐसी संख्या मिल गई जो 6, 9 और 15 से विभाजित है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको क्या करें, 1, 2 की कमी है और 1, 5 की कमी है, अर्थात 90 में हम 10 का गुणा कर दें, तो 90 × 10 जो आएगा 900, वो पूर्ण वर्ग भी होगा और इन सबसे विभाजित भी होगा। तो 90 में हम किसका गुणा करेंगे बेटा, 2 और 5 का, अर्थात 10 का, तो वही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो 6, 9, 15 से विभाजित भी होगी बेटा। तो यहां पर अब आंसर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे कि अभेष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा, 90 में गुणा करेंगे 2 × 5 का, अर्थात 90 × 10 अर्थात 900। तो 900 ही हमारा उत्तर है, 900 ही वो संख्या है जो 6, 9 और 15 से विभाजित भी है और पूर्ण वर्ग भी है। चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे का स्टडी कंटिन्यू करेंगे।